लास्ट के वीडियो में हमने नया टॉपिक चालू किया था बायोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने बायोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देख ली थी, जिसमें हमने स्टैटिक्स की डेफिनेशन देख ली और ये देखा कि बायोस्टैटिक्स में हमको काम क्या क्या करना है, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था कलेक्शन ऑफ डाटा, फर्स्ट हमने देखा था स्टेप इसका कलेक्शन ऑफ डाटा। यदि सेकंड स्टेप की बात की जाए तो सेकंड स्टेप इसका होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये जो डाटा हमने कलेक्ट करके आया था, अभी हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, एग्जांपल से समझा हमने कि स्पीशीज़ फर्स्ट 7 पाई जा रही है, स्पीशीज़ सेकंड क्या पाई जा रही है, स्पीशीज़ फर्स्ट दूसरे पॉइंट के अंदर 9 पाई जा रही है, 9 पाई जा रही है, ठीक है ना। तो इनको रिप्रेजेंट किस प्रकार से किया जाए, एक ही फॉर्म में क्या किया जाए, किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुति प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन के बाद में सेकंड स्टेप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कलेक्शन के बाद का सेकंड स्टेप है। अब प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि जगहों का रीजंस का हम डाटा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इनको टेबल के रूप में शो कर सकते थे हम लोग, डायग्राम्स के रूप में, जैसे कि हम लोग ग्राफ के रूप में शो कर सकते थे, हम लोग लाइन डायग्राम्स होते हैं, जैसे पिक्नोग्राम्स होते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, चढ़ता हुआ क्रव, उतरता हुआ क्रव, या सर्कुलर आकार के रूप में क्या कर सकते हैं, इनको प्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है ना। आंकड़ों के संकलन के पश्चात, आंकड़ों के संकलन कलेक्शन के पश्चात अगले चरण में, नेक्स्ट स्टेप, अगले चरण, नेक्स्ट स्टेप में इनका प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है। अब इनका प्रेजेंटेशन की बहुत सारी विधियाँ हो सकती है, इसमें हमने बात किया टेबल मेथड हो सकता है, डायग्राम, ग्राफ, लाइन डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण की क्रिया, प्रस्तुतिकरण की क्रिया सारणी, टेबल, चित्रों, डायग्राम ग्राफ व रेखा चित्रों, लाइन डायग्राम, लाइन के माध्यम से, एकत्रित आंकड़ों का, प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ठीक है ना। आंकड़ों का क्या किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। थर्ड, यदि बात की जाए, प्रस्तुतिकरण के पश्चात किया जाता है, इनको एनालिसिस किया जाएगा कि पॉन्ड में कौन कौन सी फिशेज और हो सकती हैं, इनकी फ्यूचर में क्या क्या संभावनाएं होती हैं। आंकड़ों का विवेचन, आंकड़ों का विवेचन, एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। ओके, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात
इनकी विवेचना एनालिसिस किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके एनालिसिस से क्या होता है, जो हमारे पास रिजल्ट आने हैं ये क्या होते हैं, सामने आते हैं। विवेचन के माध्यम से सांख्यिकी विधियों, स्टैटिकल मेथड्स, स्टैटिकल मेथड्स, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं सहसंबंध की, जैसे हमने बात की लास्ट वीडियो में, दो पॉइंट्स के बीच में संबंध बताया था कि फिश फर्स्ट स्पीशीज कितनी इसमें उसमें कितनी है, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो क्या कंडीशन होगी, सह संबंध, कोरिलेशन। दूसरा कह सकते हैं हम लोग सार्थकता परीक्षण, सिग्निफिकेंस टेस्ट, कि अगर यदि स्पीशीज फर्स्ट की फिशेज इस पॉन्ड में इतनी पाई जाएंगी तो फ्यूचर में क्या क्या सार्थकता, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। सार्थकता परीक्षण, सिग्निफिकेंस टेस्ट, आदि का प्रयोग किया जाता है। आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यदि बात की जाए, फोर्थ नंबर पे यदि बात की जाए, फोर्थ और लास्ट, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास आंकड़ों का निर्वचन, क्रॉक्स और कॉर्पटन, ठीक है। क्रॉक्सटन ने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आंकड़ों का निर्वचन, निर्वचन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ये क्या है, बिल्कुल लास्ट, जितने भी स्टैटिकल मेथड थे इसमें बिल्कुल लास्ट का क्या होता है, स्टेप होता है, जो कि जितने भी हमने कलेक्टेड डाटा थे इनका एनालिसिस करने के बाद में जो भी रिजल्ट निकल के आता है, और रिजल्ट निकलने के बाद में भी क्या किया जाएगा, इनको रिजल्ट किसी भी स्थिति में पूर्ण रूप से निर्भर पाया जाएगा और जो कि सही होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकीय विधियों के विवेचन के पश्चात, इनका निर्वचन किया जाता है, इनका निर्वचन किया जाता है। एकत्रित आंकड़ों के विवेचन के बाद, विवेचन के बाद इनसे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है, इनसे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जाता है, निकाला जाता है, ठीक है ना, जो कि
कलेक्शन के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर पाया जाएगा, ठीक है। तय हो जाता है इसके, मैं बात की जा सकती है इसकी डेफिनेशन में जो भी हमने बात की है इसकी, ठीक है ना। फिर बात की जाए इसके सिग्निफिकेंस और फंक्शंस की। सांख्यिकी का महत्व, महत्व व कार्य, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शंस ऑफ फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है ना, जिसमें हम लोग फर्स्ट बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होता है सबसे बढ़िया ये तो, ठीक है ना। तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन, तथ्यों का संख्यात्मक प्रदर्शन, जिसको हम लोग क्या है संख्या के रूप में, नंबर्स के रूप में देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं इसकी। दूसरा होता है आपस में क्या होता है संबंध निश्चित किया सकता है, जैसे कि हमने एनालिसिस में देखा था आपस में दो जगहों के बीच में, दो डाटास के बीच में संबंध स्थापित किया सकता है। तथ्यों का, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, तथ्यों में आपसी संबंध स्थापित करना, स्थापित करना, ठीक है ना। थर्ड, यदि बात की जाए तो एक कोई भी मान लो जटिल समस्या, हमने जैसे पॉन्ड की बात की थी, पॉन्ड में और भी बहुत सारी तरह की फिशेज होती, तो इनके क्या कर लेते हम लोग सबको टेबल के रूप में, सारणी के रूप में क्या कर सकते थे, सरल रूप से प्रदर्शित कर सकते थे। जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना, जटिल समस्याओं को सरल रूप में प्रदर्शित करना, रूप से प्रदर्शित करना, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या की जा सकती है, दो तथ्यों के बीच में, दो आंकड़ों के बीच में तुलना की जा सकती है, तुलनात्मक अध्ययन, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन, तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। किसी भी तथ्यों को अपन है ना उसका मापन कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। दूसरी हम लोग बात कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की जो एफिशिएंसी बिल्कुल इसमें क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग जैसे भविष्य की संभावनाओं को देख सकते हैं, इसमें जांच कर सकते हैं, तो ये कह सकते हैं पूर्वानुमान में सहायक, हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान में सहायक, ठीक है ना। और नेक्स्ट हो सकता है सत्यता की जांच, नियमों की सत्यता की जांच, नियमों की जैसे कि हम लोग जेनेटिक्स में करते हैं सत्यता की जांच, टू द टेस्ट ऑफ ट्रुथ ऑफ साइंटिफिक हाइपोथेसिस। अब यदि बात की जाए इसके लिमिटेशंस की, सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स की यदि बात की जाए तो ये क्या होते हैं, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही क्या कर सकती है, अध्ययन कर सकती है। अगर संख्या है तो ये इसको हम लोग स्टैटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, अगर संख्या नहीं है तो अब इसको अप्लाई नहीं कर सकते। केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन, न्यूमेरिकल फॉर्म में संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन संभव,
ठीक है ना। दूसरा कह सकते हैं हम लोग, कोई भी सांख्यिकीय स्टैटिकल जो रिजल्ट निकल के आएगा, ये क्या कर सकता है, किसी भी इसको भ्रमित कर सकता है, ठीक है ना। रिजल्ट किसी भी संदेह को दूर नहीं कर सकते, सांख्यिकीय निष्कर्षों को, सांख्यिकीय निष्कर्ष निष्कर्ष संदेह को दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना। संदेह को दूर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कहती है, एक सिंगल अगर यूनिट की बात की जाए तो सिंगल यूनिट पे काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हमारी यहाँ तक ये क्या हो जाते हैं, इसके लिमिटेशंस हो जाती हैं। थैंक यू।